लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैस बर्नर की फांसी की सजा की कार्यवाही चल रही थी। अब आगे डायरेक्टर की वजह से मैस की सजा माफ हो चुकी थी। अब फिन, डॉट और लेंस तीनों खड़े हुए बात किए जा रहे थे, जहां पर फिन कह रहा था, मुझे लगता है हम डैन गैरस समूह से भिड़े पड़े हैं और अब सबको पता है कि मैस जादू यूज नहीं कर सकता। डॉट कहता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन मेरे ख्याल से हमें कुछ मजा करने चलना चाहिए। अब ये सारे दोस्त सिटी की गली में चले जा रहे थे, जहाँ पर फिन कह रहा था, डॉट तुमने मैस को भी बुलाया है ना, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को रूठने से अच्छा है एक दूसरे के साथ रहकर इसे आसान बनाएं। अब फिन पब्लिक को देखते हुए कह रहा था, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि स्कूल से बाहर सब लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। अब हम एक आर्मर को देखते हैं जो पूरा प्लेट का बना हुआ था और उसके हाथ में एक फरसा भी था जो इन लोगों की तरफ चला आ रहा था। और उस आर्मर का मुखौटा जैसे ही थोड़ा ऊपर हटता है, हम देखते हैं कि इसके अंदर मैस है। फिन उसे देखकर चौंक जाता है और मैस से कहता है, ये क्या हुलिया बना रखा है मैस तुमने अपना। अब हम मैस को देखते हैं जो अपने साथ दो व्हील भी लाया हुआ था और वो फुल वर्कआउट मूड में था। अभी उन व्हीलों के साथ में उसने 7010 बार एक्सरसाइज की थी और मैस कह रहा था, मैं इससे पहले कभी अपने दोस्तों के साथ तो घूमने बिल्कुल भी नहीं आया और मेरे पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने आर्मर पहन लिया। और मैस आगे कहता है, और एक चीज़ और, मैं इन दोनों नमूनों के साथ दिखना भी नहीं चाहता था। अब हम पीछे से एक आवाज़ सुनते हैं जो लेंस की थी। लेंस कह रहा था, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। लेंस एक टी शर्ट लेके आया हुआ था जिस पर लेमन की फ़ोटो बनी हुई थी। अब डॉट सब लोगों से कहता है, इधर साइड में एक स्ट्रीट है जहाँ पर कुछ फेमस गेम खेली जाती हैं, तो चलो हम लोग भी वहाँ पर चल रहे हैं। इतना कहते हुए सारे लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं शॉपकीपर को जिसके यहाँ पर जहाँ पर बहुत से डॉगी जैसे खिलौने थे। अब ये सारे लोग जाकर उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, जिनमें एक डॉगी को मैं उंगली किए जा रहा था और वो डॉगी आउच किए जा रहा था। वो शॉप पे काम करने वाला बंदा उस कुत्ते के पिल्ले को चुप कराता है। और अब हम इन सब लोगों को देखते हैं। इन लोगों को एक बोर्ड दिख रहा था, वे सब लोग कह रहे थे, चलो हम लोग बोर्ड पर निशाना लगाते हैं। फिन कहता है, सबसे पहले मैं निशाना लगाऊंगा, इससे पहले मैं निशाना लगाऊंगा। तुझे निशाना लगाना आता भी है क्या? तभी मैस कहता है, मुझे भी निशाना लगाना है। डॉट मैस को देखते हुए कहता है, बच्चे, ये बच्चों का खेल नहीं है, तेरे से तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तभी हम मैस को देखते हैं जिसने उस बोर्ड पर निशाना लगाया तो था, लेकिन पता नहीं कैसे वो निशाना डॉट की खोपड़ी में जाकर लगता है, जिससे डॉट के मुंह से खून आ जाता है। फिन डॉट से कह रहा था, सॉरी डॉट। डॉट अपना सिर पकड़ते हुए रोए जा रहा था। अब फिन कहता है, अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा निशाना कैसे लगाते हैं। और फिर फिन निशाना मारता है, जिसका निशाना बोर्ड पर न लगकर मैस की खोपड़ी में लगता है, तो मैस के मुंह से भी खून आ जाता है। मैस अपना सिर पकड़कर डॉट के ऊपर गुस्सा कर रहा था और कह रहा था, ये सब कुछ तेरा किया धरा है। और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। लेंस और फिन कहते हैं, चलो दोस्तों हम लोग यहाँ से चलते हैं, बहुत हो गया। दूसरी किसी जगह पर जहाँ पर लेंस कह रहा था, हम लोगों को कुछ खरीदारी भी करनी है, तो मार्केट में एक दुकान है, तो हम लोग सब लोग वहीं चल रहे हैं। लेंस आगे बताता है, रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि डिवाइन विजनरी के एग्जाम नज़दीक हैं। मैस लेंस को देखे जा रहा था और कह रहा था, अरे शुक्रिया करो इनोसेंट जीरो का, जिसकी वजह से अब हमारे स्कूल में कुछ अच्छा होने वाला है। लेंस मैस से कह रहा था, मेरे ख्याल से हमारे सारे सिक्के एग्ज़ाम के लिए पूरे हो जाएंगे और हमें आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, और मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम्हें मैजिक आता भी है या नहीं, मैं तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा। अब हम इन सारे बंदों को देखते हैं जो एक दुकान के सामने खड़े हुए थे, और लेंस कह रहा था, यहीं पर चलना है हमें। अब हम इन सारे बंदों को अंदर आता देखते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा सा शॉपकीपर उनका स्वागत कर रहा था और कह रहा था, ईस्टर्न अकेडमी के बच्चे। फिन उस बूढ़े इंसान से कहता है, हाँ। डॉट यहाँ पर अजीबोगरीब सामान देखकर कहता है, यहाँ पर बहुत से बॉन्ड हैं लेकिन शायद किसी काम के नहीं। तभी हम फिन को देखते हैं जो कह रहा था, मुझे अपनी छड़ी बदलने की ज़रूरत है शायद। फिन अब मैस को बताता है कि जो छड़ी होती है ना, वो मैजिक यूज करने वाले को उसके अंदर जो मैजिक होती है और वो जिस तरीके का मैजिशियन होता है, जितना पावरफुल हो, उस मैजिक को बाहर लाने में ये छड़ी काफ़ी हेल्प करती है और अच्छी तरीके से काम भी करती है एक बेटर मैजिशियन बनने के लिए। अब हम लांस को देखते हैं जो डबल लाइनर मैजिशियन था।
पर एक छड़ी को रिप्लेस करने के लिए ट्राई किया जा रहा था और अपनी मैजिक का यूज करते हुए उस छड़ी की टेस्टिंग किया जा रहा था, जिसे देखकर वो बूढ़ा इंसान कहता है, बहुत अच्छा है, ये तो डबल लाइनर है। फिन कहता है, वाओ। डॉट का चेहरा यहाँ पर लांस की वजह से जल भुन गया था। अब वो बूढ़ा आदमी मैस के पास आते हुए कहता है, क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? फिन ये सब देखे जा रहा था और अपने मन ही मन कह रहा था, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसको तो मैजिक का एम भी नहीं आता, फिर ये मैजिक कैसे यूज करेगा। तभी हम मैस को देखते हैं जो उस बूढ़े इंसान से कह रहा था, हाँ हाँ मैं ट्राई करूँगा। तभी मैस की नज़र सामने एक सर्कल और उसके सामने एक गड्ढे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, वाओ ये कितना डरावना है। और वो बूढ़े इंसान से पूछता है, ये क्या है? अब वो, ये मेरी दुकान में सदियों से, लेकिन कभी इसको कोई भी उठा नहीं पाया क्योंकि ये बहुत भारी है। ऐसा माना जाता है कि एल्फ वाटर इसके नीचे से ऊपर आता है। उस पानी का इस्तेमाल हम लोग शानदार बैंड बनाने के लिए कर सकते हैं और मेरे ख्याल से एक इमोर्टल चीज़ है, लेकिन क्या करें, पिछले 1000 साल में मैंने ऐसा कोई भी नहीं देखा जो अपनी ताकत या जादू का इस्तेमाल करते हुए इसे उठाने में सक्षम हो। तब हम डॉट को देखते हैं जो बूढ़े इंसान को देखते हुए कह रहा था, अरे दादाजी उसको चुनौती मत दो, आप नहीं जानते कि वो क्या करेगा। दादाजी डॉट को देखते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हारा क्या मतलब है? तभी हम मैस को देखते हैं, उसने एक छड़ी अपने हाथ में पकड़ रखी थी और उस गड्ढे के सामने बैठकर जो एल्फ वाटर था उसका पूरा फव्वारा हवा में उड़ा दिया था। इसे देखकर उस बूढ़े इंसान की आँख फटी की फटी रह जाती हैं और वो मैस से कहता है, ये छड़ी तो तुम्हारी हुई आज से। और वो बूढ़ा इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब वो मैस का शुक्रिया करता है और बाकी सारे लोग उस बूढ़े दादाजी से कहते हैं कि हम दोबारा ख़रीदारी करने फिर से आएंगे। अब हम इन सारों को स्ट्रीट पर देखते हैं जो कह रहे थे हम लोग खेलने कूदने और शॉपिंग करने के लिए दोबारा कुछ समय के बाद फिर आएंगे। अब हम लेमन को देखते हैं जो इन सारे लोगों से सॉरी कहे जा रही थी क्योंकि ये लेट थी, लेकिन वो उन सारे लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाई हुई थी। अब ये सारी पलटन फुल टू इन्जॉय करती है। पूरे मार्केट में धमाल मचा के अब शाम होने को थी। यहाँ पर ये सारे अब रोए जा रहे थे और कह रहे थे हमें ये समय बहुत याद आएगा। अब मैस इन लोगों से कहता है, सच में मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि इससे पहले मैं कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं आया था, तो टेंशन ना लो हम लोग दोबारा ज़रूर आएंगे कुछ समय के बाद। अब सारे लोग मैस को घूरते हुए देखे जा रहे थे। अब सारे लोग कहते हैं कि चलो यहाँ से। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम उस चश्मुद्दीन को देखते हैं जो कल मैस को फांसी दिलाने के लिए अड़ा हुआ था। अब वो किसी जगह पर आया हुआ था जो किसी अननोन पर्सन से बात किए जा रहा था और कह रहा था, ईस्टर्न मैजिक अकेडमी के प्रत्येक डॉर्म की देखरेख एक प्रीफेक्ट द्वारा की जाती है। 3 प्रीफेक्ट्स ईस्टर्न अकेडमी में सबसे बड़ी प्रतिभाओं में से कुछ का दावा करते हैं। उन सभी के पास एक डिवाइन विजनरी बनने के कुछ आवश्यक कौशल भी हैं। सो इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहीं पे कुछ गलतियाँ हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करें, हम उनको सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे।